अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटपटी चटनी, कटे टमाटर की चटनी। और देखिए, इसके लिए हमने 4 प्याज कट कर लिए और 3 टमाटर, 4 से 6 हरी मिर्च। तो अब हम जा रहे हैं इसे बनाने फटाफट। देखिए, पैन चढ़ा दिया हमने गैस में, हाई फ्लेम में। तो इसमें डालेंगे अब हम तेल, 2 चम्मच तेल डाल देंगे इसमें। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। और प्याज को इसी तरह थोड़े टाइम तक गुलाबी होने तक पका लेना है, बहुत ज्यादा गुलाबी नहीं करना है हमें। थोड़ा कच्ची प्याज रहती है तभी मजा आती है खाने में, टेस्ट और डबल हो जाता है उसका। तो आज हम हल्का फुल्का ही बना रहे हैं, अरहर की दाल के साथ टमाटर की चटनी। फटाफट से चटनी बनकर तैयार हो जानी है। इसमें डाल देंगे हम नमक, इससे क्या होता है कि प्याज जो है जल्दी से पक जाती है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसी तरह चलाते रहेंगे थोड़ा टाइम तक। देखिए, प्याज हमारी जो है तो गुलाबी हो चुकी है, तो इसमें अब हम डाल देंगे हरी मिर्च। इसमें हमने डाल दी हरी मिर्च, हरी मिर्च भी अच्छी से हो गई है। तो अब इसमें हमें डाल देना है टमाटर और फ्लेम को स्लो कर देंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। और 5 मिनट तक ढक्कन को बंद करके टमाटर को थोड़ा टाइम तक पक जाने देना है। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिला दिया, देखिए। और अब हम 5 मिनट तक ढक्कन को बंद करके टमाटर को अच्छे से पका लेंगे, इससे हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट बढ़िया से हो जाएंगे और चटनी भी हमारी चटपटी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, कितनी बढ़िया से हमारी टमाटर की, कटे हुए टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गई। देखिए, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। चटनी को सर्व कर लेंगे। तो आप भी जरूर एक बार बनाइएगा कटे हुए टमाटर की चटनी, हमारे तरीके से 5 मिनट में फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। देखिए गाइस, कितनी टेस्टी टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो प्लीज आप भी जरूर एक बार बनाइए और बताइए कि आपकी टमाटर की चटनी किस तरह से बनी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।